हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 5G लॉन्च के बारे में। मैं ज्योति प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि 5G जो है ना वो है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई भी नया एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं या फिर कोई भी नया गैजेट्स लेते हैं तो उसमें आपको जो है उसके जनरेशन के बारे में बताया होता है। तो उसी तरीके से जो है ना 5G जो है एक इंटरनेट का ही फिफ्थ जनरेशन मोड है। जैसे इसके पहले आप 4G यूज़ करते हैं, 3G यूज़ करते थे, 2G यूज़ करते थे। तो जो शुरू शुरू में सबसे पहले आया था तो उसको 1G भी कहा जा सकता था, नेटवर्क कनेक्टिविटी था एक तरीके से। तो 5G जो है ना वो एक तरीके से इंटरनेट की फिफ्थ जनरेशन है। तो यहाँ पे जो है ना देखिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जिस तरीके से पूरी दुनिया प्रगति कर रही है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के सिलसिले में जो है आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 5G टेलीफोनी सर्विसेज जो है उसको लॉन्च किया है। और मेनली जो है आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो कि आपका दिल्ली में हुआ था तो वहाँ पे जो है ना इन्होंने इस सर्विस को लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में जो है और कौन कौन सी कंपनियां जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और कहां कहां पे जो है 5G सर्विसेज लॉन्च होंगी तो उसके बारे में जो हम लोग विस्तार से बातें करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो 5G सर्विस को लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी कंपनियाँ हैं जो टेलीफोन मेनली जो कंपनी है वो सारी कंपनियाँ जो हैं वो लॉन्च करने वाली हैं 5G सर्विसेज। अभी जानते हैं कि BSNL जो है अभी 4G पे ही शिफ्ट हुआ है तो BSNL जो है इसमें भी हाथ नहीं डालने वाला है 5G सर्विसेज में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 5G के लिए जो है सबसे पहले जो है ना एयरटेल ने अपनी घोषणा की है कि हम इन शहरों में लॉन्च करने जा रहे हैं। और अभी जो है हाल फिलहाल में आज जिस तरीके से लॉन्च किया गया है तो दिल्ली में ही जो है एयरपोर्ट पे इसकी सबसे पहली सर्विसेज दी गई हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या हुआ कि 5G सर्विसेज आने से जो है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएंगी और लोग जो है ना जैसे अभी बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजें जैसे मूवीज, गेम्स या फिर सेटेलाइट्स, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जो है ना बहुत आसान हो गया है 4G सर्विसेज के। लेकिन अब जैसे ही 5G सर्विसेज आएगी तो और हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, हम हर किसी चीज़ को जो है रियल टाइम में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो वही जो है ना हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट ये किया कि जो 5G सर्विसेज है वो आपको 13 शहरों में, यानी भारत के 13 शहरों में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इन शहरों में जो है फेज वाइज का मतलब यह है कि पहले इन शहर में फिर उसके बाद ऐसे करके, लेकिन पहले जो है इन 13 शहरों में जो है 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले जो है आपका अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, गांधीनगर है, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। तो देखिए ये साथियों, यहाँ पे क्या है कि ये जो इन 13 शहरों का जो मैंने नाम बताया है, इन्हीं पहले 13 शहरों में जो है आपकी 5G लॉन्च होने वाली है। और दिल्ली में जो है सबसे पहले लॉन्चिंग हुई है। और आपसे एक क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स में आ सकता है कि 5G लॉन्चिंग जो है कहाँ पे हुई थी, किसने किया था, तो और किन किन शहरों में होने वाली है और कितने शहरों में होगी। तो इनसे जो है ना आपकी एक तरीके से करंट अफेयर्स में आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में 5G लॉन्च किन के द्वारा किया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, आपका ये राइट आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि 5G सर्विसेज जो है सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च हुई, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद जो है आपका किन किन शहरों में हुआ, तो पूरे 13 शहरों में हुआ और कौन कौन से शहर हैं आपको मैंने इसमें नाम भी बता रखा है। तो देखिए साथियों, आई होप कि मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अपने यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहूँगा। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।